हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज सुपर एट्स की। अब सुपर एट्स कल से शुरू होने वाले हैं। साउथ अफ्रीका और यूएसए का मैच है और उसके बाद परसों है इंडिया का अफगानिस्तान के साथ। तो मुझे तो देखिए, आप लोगों को पता है कि मुझे इस बार कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इंडियन टीम से, क्योंकि मेरा देखिए एक चीज और मैं कहूं आप लोगों से, हम लोग जो है ना, ये जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, मतलब हम लोगों का अब खराब टाइम शुरू होने वाला है। खराब टाइम इसलिए कि ये एक तो हमारे देश में ना 140 करोड़ में से कम 40-50 करोड़ लोग तो क्रिकेट देखते हैं, और उसमें से 45 करोड़ लोग जो हैं उनमें अकल नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है कि बस इंडिया जीत ही जाएगी किसी ना किसी तरीके से। अब देखिए, ऑप्टिमिस्ट होना एक अलग चीज है। देखिए, मैनेजमेंट में ये कहा जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रोच करने के लिए आपकी तीन अप्रोचेस होनी चाहिए, कि आप एक तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि प्लान करें पेसिमिस्ट की तरह, जो हमेशा मैं ये कहता हूं कि प्लान फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो प्लान करें पेसिमिस्ट की तरह कि हर वो चीज जो आपके अगेंस्ट जा सकती है उसके लिए आप प्लान करें, और फिर आप ऑप्टिमिस्ट रहें बिल्कुल एटर्नल ऑप्टिमिस्ट की तरह कि नहीं, बिल्कुल मुझे तो सब बिल्कुल बेस्ट मिल जाएगा, मैं चैंपियन ही बन जाऊंगा, वो ठीक है। लेकिन बीच में एक चीज होती है, रियलिस्टिक रहना। तो रियलिस्टिक रहना आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, जो कि हम इंडियंस रह नहीं पाते। क्या होता है, अब हम सब 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 सोच रहे हैं, मतलब विराट कोहली से पहले तो हमने ओपन करवा दिया कि वो तो आईपीएल में चिन्ना स्वामी में इतने झंडे गाड़ के आ रहा है, इतना पीटा उसने आईपीएल के अधकचरे बॉलर्स को, इतना मारा उसने, मतलब ड्यू आ रही थी उसमें बैटिंग की खराब, बिल्कुल बैटिंग विकेट थी उसके ऊपर, मारे उसने खूब रन मारे। तो अब हम लोगों ने सोच लिया कि अब तो ये जाके वर्ल्ड कप में ओपन करके बिल्कुल गेंद ही फाड़ देगा, बिल्कुल यही सोचा हम लोगों ने, और क्या सोचा यही सोच रहे थे ना, इसी वजह से हम लोगों ने टीम डिक्लेयर की और उसके बाद हमने बोल भी दिया कि अब विराट कोहली से ही ओपन कराएंगे। अब 3 मैचेस में हो गया फेल विराट कोहली, तो क्योंकि ये तो हमको पहले से ही पता था किससे ओपनिंग होने वाली नहीं है वर्ल्ड कप में। अब देखिए क्या था विराट कोहली के लिए, अब मैं बार बार क्या बात ये बोलूं, हम सब लोग ये बात समझते हैं, आईपीएल में उसके रन बनाने का रीजन क्या है? एक तो निहायत ही घटिया विकेट, छोटी बाउंड्रीज, उसके बाद बॉलर्स भी कोई क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, तो सामने वाली टीम में एक या दो बॉलर्स कोई अच्छे आते हैं, उनके आपने निकाल दिए ओवर, आपने रन पीट दिए, उसके बाद फिर ड्यू आ जाती है, तो ड्यू में तो आप वैसे भी रन बना लेते हो, और कहीं आपकी बाद में बैटिंग आई तो वैसे ही आपको मालूम है कि ड्यू आनी है। तो इसमें ये जब विराट कोहली ने रन बनाए तो सारे के सारे 45 करोड़ लोग खुश हो गए, और उन्होंने कहा कि बस अब तो ठप्पा लग गया है, विराट कोहली ही ओपनिंग करेगा। अब ये हुआ नहीं यहां पे। दूसरी बात, बैटिंग के लिए अच्छी विकेट मिली नहीं, फिर ऊपर से पहले बैटिंग आ गई। अब पहले बैटिंग आ गई तो विराट कोहली को तो रन बनानी है भाई 6 ओवर में। अब 6 ओवर में रन बनाओगे और बॉल आ नहीं रही है बल्ले के ऊपर, और आपको अभी पता ही नहीं है कि टारगेट कितना सेट करना है हमको, तो विराट कोहली की बेचारे की क्या गलती है? वो तो सोचेगा कि अरे यार, मेरे को तो 200 ही रन बनाने हैं, क्या भरोसा मैं अगर स्लो खेलूं, और पीछे से फिर सुनील गावस्कर बोलने लगे कि अरे यार तुम तो बहुत, तुम्हारी स्ट्राइक रेट कम है। तो अब इसमें विराट कोहली को क्या दोष दे सकते हैं हम? ये बात तो सही है ना, सुनील गावस्कर का तीर लगा हुआ है पिछवाड़े में कि बेटा स्ट्राइक रेट तेरी कम है। अब हालांकि सुनील गावस्कर ने नहीं कही थी ये बात तो किसी और ने कही थी, ये पता नहीं जिसने भी कही थी, बीसीसीआई ने कही या इंडियन एक्सप्रेस ने कही, लेकिन वो कीड़ा तो काट चुका है विराट कोहली को। अब वो 3 मैचेस में हमने देख लिया कि भैया रन अगर नहीं बनाए तो अभी मेरे को गाली पड़ने लगेगी कि ये तो इसकी स्ट्राइक रेट कम है, और मैं तो हूं विराट कोहली तो मुझे तो गेंद फाड़ के ही दिखाना है अब इनको वर्ल्ड कप में कि अरे नहीं, मैं आईपीएल का शेयर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी गली का शेर नहीं हूं, मैं जाके वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में भी झंडा गाड़ दूंगा और वेस्ट इंडीज में भी बॉल गिरा दूंगा समंदर में, वो सारे ग्राउंड उनके समंदर के पास है तो वहां पे भी गिराऊंगा मैं, अभी देखते हैं कौन से समंदर में गिराता है ये बॉल। तो अभी आप देखना, ये प्रॉब्लम हो गई है इंडिया के साथ बहुत बुरी तरीके से, और अब ये फिर से वही गलती कर रहे हैं, और हम लोग तो आपको पता है कि हम और आप सारे के सारे ये डिस्कस कर करके हम अपने बाल नोच रहे हैं, इसलिए मैंने बाल नोचने बंद कर दिए, मुझे पता है। देखिए एक चीज और मैं यहां पे कहूंगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना वो ये है कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा ये जब ओपन करने जा रहे हैं, अब ये अगर कंपेयर करें कि बाकी टीमें भी बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही हैं, तो भैया विस्फोटक बल्लेबाजी जो टीमें करती हैं
उनमें और इंडिया में, या उनके बल्लेबाजों में और इंडिया के बल्लेबाजों में, खासतौर पर विराट कोहली में बेसिक डिफरेंस है यार, बेसिक डिफरेंस है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि विराट कोहली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, विराट कोहली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आप विराट कोहली को रहमानुल्ला गुरबाज या जॉनसन चार्ल्स या ब्रेंडन किंग या काइल मायर्स या फिर क्विंटन डीकॉक या फिर और कौन है इंग्लैंड का, जोस बटलर या फिल सॉल्ट, इन लोगों से आप कंपेयर कर सकते हैं क्या? और बाकी टीमों में और कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड और ट्रेविस हेड के साथ डेविड वार्नर, अब ये सारे बल्लेबाजों को अगर कंपेयर किया जाए विराट कोहली के साथ, तो देर इज नो डाउट कि विराट कोहली अगर 10 पे है तो ये बाकी 6-7 पे आते हैं। लेकिन भैया पोजीशन का डिफरेंस है, पोजीशन का डिफरेंस है, ये सारे ओपन करते हैं और ओपन करने में ये पट्टे चलाते हैं, टोल्ले मारते हैं, सब कुछ करते हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड सेक्रीफाइसिंग देयर विकेट फॉर देयर टीम, वेयर इज विराट कोहली कांट। अब विराट कोहली से आप ही कहो कि तू जाके ओपनिंग में टुल्ले भी चला और फिर जब टीम की लग पड़ेगी 2-3 विकेट गिरने के बाद, तब पीछे तू संभाल भी लेना, तो ऐसा कैसे हो सकता है यार? या तो आदमी टुल्ले ही मार ले ओपनिंग में जाके, या विकेट ही बचा ले। कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये छोटी सी बात, ये इतनी छोटी सी बात, ये इंडिया के किसी क्रिकेटर को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अभी पिछले 3 मैचों में जब विराट कोहली फेल हुआ है और जो टीम की हालत खराब हुई है, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी है। क्योंकि मैं तो देखिए हमेशा ये बात कहता हूं कि ज्यादातर लोग जो है ना, जब हो जाता है उसको एनालाइज करने लगते हैं, तो इसमें समझदारी नहीं है ना यार। फिर आप इसको मतलब फिर आपको गेम की समझ नहीं है, आप तो एक गेम हो गया उसमें बैट्समैन किसी तरह से आउट हो गया तो आप उसको क्रिटिसाइज करने लगे कि अरे यार ये इस बॉल के ऊपर आउट हो जाता है। यार भैया हम तो बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से आउट हो जाएगा, तो आप वो रिस्क क्यों ले रहे हो? और एक ही बैट्समैन से आप दोनों काम करवाना चाहते हो? आपकी टीम का जो बेस्ट एंकर प्लेयर है उससे आप टोल्लेबाजी करवाना चाहते हो, तो फिर तो आपको रिजल्ट पहले से पता होना चाहिए कि आपकी टीम का क्या होने वाला है। तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं है इस बार इंडिया की टीम के हारने का, क्योंकि मुझे पता है कि इंडियन टीम हार जाएगी। और ये देखिए जब मैं कहता हूं ना तो लोगों को बात पसंद नहीं आती है, तो इसलिए हालांकि कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि अब लॉजिक के अगेंस्ट तो देखिए बकवास ही की जा सकती है, तो अगर कोई बोलेगा तो वो बकवास ही होगी, क्योंकि ये किसी और चीज में लॉजिक तो है ही नहीं ना कि आप कहो कि नहीं मैं विराट कोहली से, अब मैं काइल मेयर से भी ओपन करवा रहा हूं और मैं विराट कोहली से भी ओपन करवा रहा हूं, तो मतलब हम क्या किन की बात कर रहे हैं यार? काइल मेयर्स में और विराट कोहली में कोई है क्या कनेक्शन? कुछ है कंपैरिजन के लिए, कुछ बात है? काइल मेयर्स लेकिन इज अ बेटर ओपनिंग बैट्समैन देन विराट कोहली, क्योंकि वी कैन अफोर्ड काइल मेयर्स टू गेट आउट, वेयर एज वी कांट अफोर्ड विराट कोहली गेटिंग आउट इन द फर्स्ट 3 ओवर्स, चाहे वो उन 3 ओवर में तीसरा नहीं क्यों ना बना दे, लेकिन अगर वो आउट हो जाएगा तो हमारी दुख दुखी हो जाएगी। तो अब यही है, अब इसके बारे में तो क्या बात कर सकते हैं। और दूसरी बात आप ये देखिए, अभी इंडियन टीम के बारे में हमें सोगबोगहाट सुनाई देने लगी है, अब वो आने लगी इनकी बहानेबाजी की, मुझे बू आने लगी है, क्योंकि न्यूज आ रही है कि अरे इंडियन टीम का तो शेड्यूल बड़ा डिफिकल्ट है, इनका एक 20 तारीख को मैच है, एक 22 तारीख को मैच है, एक 24 तारीख को मैच है, तो ये हेक्टिक शेड्यूल हो गया। अभी पिछले 10 दिन से जो तुम्हारी अय्याशी चल रही है उसका क्या, उसमें क्या किया तुम लोगों ने? रेस्ट नहीं हो गया 10 दिन में? अब अगले 6 दिन में तुम 3 मैच नहीं खेल सकते हो? 20 से चलो 4 दिन में 3 मैच खेल ले यार, 20, 22, 24, 4 दिन में 3 मैच, आईपीएल में नहीं खेलते हो तुम? आज मैच खेला, कल ट्रेवल किया, परसों फिर मैच, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना। और वेस्ट इंडीज कौन सी इतनी बड़ी यूएसए जैसी कंट्री हो गई यार, जहां 4-4 घंटे की फ्लाइट है? हद ही कर दी यार बहानेबाजी की। ये तो ग्राउंड तैयार करने वाली बात है कि साला हम हार गए तो हम बोल देंगे हमारा तो शेड्यूल भी बड़ा हेक्टिक था। ये बकवास बात मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, ना ही व्यूअर्स आप लोग सुने इस बात को, इस बात में कोई दम नहीं है। क्या लगता है आपको इस बात में कुछ दम है क्या? क्या अजीब सी बात है यार, आईपीएल में तो बड़े खुशी खुशी खेलते हो जब करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो यहां पे भी करोड़ों मिल रहे हैं ना तुमको, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, यहां करोड़ों जूते पड़ने का डर है,
इसलिए पहले से बहानेबाजी कर दो। पहले तो इन लोगों ने वो भी कहने की कोशिश की थी, दबी जबान में कहा कि अरे फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं है। तुम नालायकों को एक बार भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि फैसिलिटीज नहीं है न्यूयॉर्क में या अमेरिका में, और कहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ रही। बाकी बाकी टीमें क्या लॉर्ड्स में प्रैक्टिस कर रही थी क्या? एक तुम ही थे अनोखे जिसको पार्क में प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी, बाकी सारी टीमें भी वही कर रही थी, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? और बड़े सूरमा बनते हो भैया, तो अगर कोई खराब विकेट है, मान लिया मैंने कि बैटिंग के लिए अच्छे विकेट नहीं थे, सब स्टैंडर्ड विकेट्स थे, T20 के लिए फिट नहीं थे, मान लिया सब कुछ मान लिया, लेकिन सारी टीमें उन्हीं के ऊपर खेल रही थी ना, तो फिर टेक्निकली जो ज्यादा बेटर बैट्समैन होता है उसको खराब विकेट पे या कैसे भी विकेट पे ज्यादा अच्छा खेलना चाहिए। चलिए मैंने मान लिया कि अगर बैटिंग के लिए बहुत परफेक्ट विकेट है तो टुल्ले भी चल जाते हैं वहां, तो मैंने मान लिया कि चलो आप ये टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो है वो मार खा जाती है, क्योंकि आप भाई टेक्निकल खेलना चाहते हो तो आपकी टुल्ले मारने की आदत नहीं है, मैंने मान लिया। लेकिन भैया खराब विकेट पे तो आपकी टेक्निक आपको बेटर आनी चाहिए ना, तो उसमें भी इन लोगों ने थोड़ी बहुत तो कहने की कोशिश की, हालांकि ज्यादा कुछ बोले नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, इन लोगों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिस और फैसिलिटी और रुकने का और वो जो ठिकाना जो था इनका वो सब फिर भी थोड़ा बहुत सुनने को मिला है, जो कि बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए था। भैया ICC का टूर्नामेंट जो है वो ये मान के चलो वो ICC कुछ नहीं है, वो BCCI ही है, जो कुछ है वहां जो कुछ हो रहा है वो आपकी मर्जी से ही हो रहा है, इसलिए ज्यादा बोलो मत नहीं तो पोल खुल जाएगी, पूरा संसार आ जाएगा आपके खिलाफ अभी बोलने कि साले तुम क्या झूठ बोल रहे हो यार, ICC क्या है? ICC कुछ नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है वो। ये बात चाहे पाकिस्तानी बोले या कोई बाकी बोले या ना बोले, हमें तो पता है ना यार सच्चाई, ICC की क्या औकात है? ICC वालों को पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो सब ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लोग अभी भी मानेंगे नहीं। अभी आप देखिए बेवकूफी जनता की, वो ये कि नहीं नहीं तीन मैच में विराट कोहली फेल हुआ है, अभी देखना चौथे मैच में क्या रन बनाएगा। अब चौथा मैच इनका अफगानिस्तान के साथ है, बारबाडोस में है। अब बारबाडोस में जस्ट इमेजिन करिए आप कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया और इंडिया से कह दिया कि जाओ बैटिंग करो, अब क्या होगा? अब क्या करेगा विराट कोहली? आपको क्या लगता है विराट कोहली सेंचुरी मार देगा कि 30 बॉलों में 65 रन ठोक देगा? ये किसी हालत में हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये IPL नहीं है और ना ही ये बायलेटरल मैच है। अब ये है सुपर 8 का मैच, और सुपर 8 में एक्चुअली सारे मैचेस, कहने को तीन मैचेस हैं और चार टीमें हैं जिनमें से आपको फर्स्ट 2 में आना है, लेकिन अभी आप ये देखिए कि सारे मैचेस प्रैक्टिकली नॉकआउट मैचेस हैं, आप कोई भी मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसमें से। तो आप अफगानिस्तान के साथ खेलें या चाहे किसी के भी साथ खेलें, जहां पे भी ये सुपर 8 के मैचेस होने वाले हैं, ये इनमें सब में इनकी हवा बंद होनी बिल्कुल आप पहली बॉल से देख लेना, और जिस टीम ने ये लाइटली लिया उस टीम को मुसीबत हो जाएगी। तो अब ये पहला मैच जब अफगानिस्तान के साथ होगा, अफगानिस्तान ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग के लिए कह दिया, आप देख लेना फिर इन लोगों का डांस फिर क्या होता है, कैसा भी विकेट रहने दो। आप लोग क्या सोचते हो कि विराट कोहली बना देगा रन? बना दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बैटिंग प्लान नहीं कर सकता उसकी, क्योंकि वो तो वनडे मैचेस में बैटिंग प्लान नहीं कर पाता है अपनी पहले बैटिंग करते हुए, तो ये तो T20 है। और फिर बात वही है कि इनका विराट कोहली का विकेट गिरने दो और उसके बाद जरा दो विकेट और गिरने दो, फिर उसके बाद देख लेना आप क्या हाल हो जाने वाला है इनका। वही हो जाएगा कि हमें आखिरी में 20 ओवर खेलने के लाले पड़ जाएंगे कि 20 ओवर पूरे खेल भी पाएंगे कि नहीं, वही आखिरी में कुलदीप यादव टुक टुक करता हुआ नजर आएगा हमको। अरे अभी देखते जाओ आप, इनकी तो मैं रग रग से वाकिफ हूं इंडियंस की, ये जितने डरपोक टाइप के लोग हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि इस वर्ल्ड कप में मुझे कोई उम्मीद नहीं है, किसी हालत में कोई उम्मीद नहीं है। ये यशस्वी जायसवाल जैसे बैट्समैन को ये इग्नोर करके ये विराट कोहली से ओपन करवा रहे हैं, पता नहीं यार ये कौन से मतलब किस बाबा आदम के जमाने की सोच है यार, कि मतलब विराट कोहली इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया कि वो तो ओपनिंग में करके जाके रन बना देगा। विराट कोहली के 3 नंबर पे या 4 नंबर पे जाके रन बनाने में मुझे कोई भी डाउट नहीं है, वो बना देगा रन, वो चाहे पहले बैटिंग करे चाहे बाद में बैटिंग करे, लेकिन
वो सिचुएशन डिफरेंट होती है। ओपनिंग इज एन ऑल टूगेदर डिफरेंट आर्ट, हर कोई नहीं कर सकता है ये। और खास तौर पे आप अपने सबसे अच्छे बैट्समैन को जो कि आपको मुसीबत में से निकाल सकता है, उसको आप ओपनिंग में ले जाके और उसको खुद ही मुसीबत में डाल रहे हो, उसमें विराट कोहली की भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं। मुझे लगता है विराट कोहली ने ये जो ओपनिंग का ये जो एक्सेप्ट किया है, ये या तो वो अपनी आईपीएल में जो उसने रन बनाए हैं शायद उससे खुद ही ज्यादा इंप्रेस हो गया अपने आप से, और वैसे वो हो भी सकता है क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, इनमें अकल कम होती है जरा, तो हो सकता है वो सोचने लगा हो कि अरे यार मैंने तो आईपीएल में चेन्ना स्वामी में रन खूब बनाए ओपन कर करके, या ड्यू के मैचेस में बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पे छोटी छोटी बाउंड्रीज पे खूब रन बनाए हैं मैंने, आड़े तिरछे कट मार मार के छक्के चौके मार के सब कुछ रन बना दिए, तो अब तो मैं वर्ल्ड कप में भी बना दूंगा। तो अगर ऐसा है तो आटे दाल का भाव अभी 3 मैचेस में नहीं पता चला है, तो बाकी बचे हुए 4 में पता चल जाएगा। ठीक है, आप अब अगले 3 मैचेस में से अगर 1 में रन बना भी दिए तो आप क्या कहेंगे, लेकिन विराट कोहली के जो फैंस हैं उनको मौका मिल जाएगा कि अरे देखा रन बना दिए, लेकिन वो रन बनने वाले हैं नहीं। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये सूचना देनी पड़ रही है कि ऐसा होगा नहीं, ये नहीं हो सकता है, इतना आसान नहीं है भैया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर ओपनिंग इतनी आसान होती तो हर गली में सुनील गावस्कर घूम रहे होते आज, या वीरेंद्र सहवाग घूम रहे होते। भैया वीरेंद्र सहवाग और सुनील गावस्कर एक ही हुए हैं भारतवर्ष की के इतिहास में, और हर कोई विराट कोहली जाके ओपन कर देगा ये बहुत दूर की कौड़ी है, इसके बारे में आप सोचो मत जरा ज्यादा। जितना इस बात से दिल लगाओगे उतना बाद में दुख ज्यादा होगा। तो मुझे तो बहुत ही डाउट लग रहा है इनका। अभी चलिए हम अपने कुछ व्यूअर्स के मैसेज लेते हैं जो बेचारे परेशान हो गए। गौरव चतुर्वेदी बड़े नाराज है बहुत दिनों से। गौरव चतुर्वेदी कह रहे हैं कि ये बीसीसीआई के जो पागलपन है विराट कोहली से ओपन कराने का, अब तो बिल्कुल बस एक ही तरीका रह गया है कि गौतम गंभीर को कोच बना दो। गौतम गंभीर के बारे में गौरव चतुर्वेदी ने कई बार कहा, ये बात सही है कि गौरव ये मतलब गौतम गंभीर जब आएगा तो वो अब वहां पे फिर टीम में उथल पुथल मचने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनते साथ ही विराट कोहली से उसका झगड़ा हो जाएगा और वो विराट कोहली को मुक्का मार देगा या विराट कोहली उसकी चप्पल चुरा के भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये है कि सारे लोग लाइन पे आएंगे क्योंकि अब पता है कि यहां नो नॉनसेंस काम होने वाला है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहां कोई दुश्मनी निकालने वाला है या कुछ है, क्योंकि देखिए अब विराट कोहली गौतम गंभीर के साथ दुश्मनी निकालने की पोजीशन में नहीं है। विराट कोहली की अब वो स्ट्रेंथ नहीं है टीम में। ठीक है रन बनाओगे तब तक ठीक है, वरना रास्ता बाहर दिखाते हुए ज्यादा टाइम बीसीसीआई को लगेगा नहीं। वैसे भी मुझे लगता है कि ये अगले 3 मैचेस जो है ना रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए T20 में, अब ये आखिरी 3 या 4 मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि बस हो गया, बस इनसे होने जाने वाला नहीं है कुछ, और इसके बाद इनको थैंक यू बोल दिया जाएगा कि आप T20 के मैदान में आप बिल्कुल झांकना भी मत, आपको घुसने भी नहीं दिया जाएगा यहां, क्योंकि तुमसे होगा नहीं। तो ये अब बाकी रही सही तो खोर तुम कुल्हाड़ी के ऊपर खुद ही पैर मारे दे रहे हो कि लाओ मैं ओपन कर लेता हूं, मैं तो कर ही दूंगा, मेरा क्या है, मैं तो क्रिकेट का बादशाह हूं और मैं तो अभी तक जिंदगी में 3 नंबर पे खेलता आया जिसमें भी मुझे पहले बैटिंग करने में कुछ आज तक समझ में नहीं आया, फिर भी मैं करूंगा ओपन और T20 में कर दूंगा और मैं चेन्ना स्वामी पे रन बना बना के आया हूं। तो ये अभी सब आटे दाल का भाव पता चलने वाला है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम जो व्यूअर्स है ना हमारा दिमाग खराब हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमको पता है कि ये होने वाला था और ये करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या है, हम लोग तो आपको पता है कि हम लोग तो अपने चैनल पर बड़े वोकल हैं, ये तो हम बहुत 2 महीने पहले से कह रहे हैं जो भी अभी हुआ है या जो होने वाला है। अब जब ये हो जाएगा बाद में सारी जनता फिर चली आएगी, जैसे कि अभी पिछले कुछ 15 दिनों से ये बोलने लगे हैं कि अरे विराट कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए। तब कहां थे जब इसको डिक्लेयर कर दिया था, जब ये आईपीएल में रन बना रहा था, तब पूरी जनता 40 करोड़ कहां थी? ये जितने यूट्यूब पे बैठ के ये बकवास करते रहते हैं सारे, ये तो सारे के सारे बोल रहे थे अरे इट्स अ वेरी गुड मूव कि विराट कोहली ने आईपीएल में क्या बढ़िया ओपनिंग की है तो इससे ओपन ही करवाना चाहिए। हम तो तब भी बोल रहे थे कि मत करवाओ, इससे इसके बस का नहीं है ओपन करना,
लेकिन आप सारे के सारे बोलने लगे अरे विराट कोहली को 3 नंबर पे आ जाना चाहिए क्या। अजीब बेवकूफों की फौज लगी हुई है यार यूट्यूब पे, हर कोई कुछ भी बकवास करने लगता है बिना किसी लॉजिक के। 2 मैच देखे उसके हिसाब से ये अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं, अपनी प्लानिंग चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है यार, क्रिकेट खेला हो तो कभी कुछ समझ में आए। अब क्या बोल सकते हैं इनको यार ऐसे। और विराट कोहली को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि भैया नहीं कर सकता हूं मैं ओपनिंग। एक बार बोल दे कि भैया मैं 3 पे ही खेलूंगा, लेकिन नहीं, उसके चक्कर में यशस्वी जायसवाल को और खर्च कर दिया हमने। अब वो बेचारे अक्षय तो पागल ही हो गए कह कह कि यार क्या है यार यशस्वी जायसवाल को तुम कब से तैयार कर रहे थे ओपनिंग करने के लिए। अक्षय ने लिखा है ना 2-3-4 बार लिखा है मैसेज में कि सर, अब वो मेरे पीछे ही पड़ गए कि अरे सर आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है ये। भैया अक्षय मैं तो पहले कितने कब से कह रहा हूं यार, कब से कह रहा हूं मैं, 2 महीने हो गए मुझे कहते हुए कि यार ये क्या पागलपन कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल से ओपन करवाओ यार। तुमको पता नहीं क्या समझ में आ गया है कि विराट कोहली तो भगवान हो गया, वो तो ओपनिंग में जाके पता नहीं कितनी सेंचुरी मार देगा। अभी तुम रही से ही विराट कोहली की और पोल खुलवा के छोड़ोगे, उसको कहीं का नहीं छोड़ोगे। अब ये सुपर एट में विराट कोहली कहीं का नहीं रहेगा। आप लोग समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सुपर एट के बाद विराट कोहली कहीं नहीं रहेगा। ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने वाला है, क्योंकि रन बनेंगे नहीं, ऐसे नहीं बन जाते हैं भैया रन। जहां टुल्लेबाजी का काम हो वहां विराट कोहली से रन नहीं बनेंगे। और बना भी दे कितने बना देगा यार। आप लोग इमेजिन करो, ये क्या कायल मेयर्स की तरह विराट कोहली बैटिंग कर सकता है क्या, निकोलस पूरन की तरह कर सकता है क्या। निकोलस पूरन भी देखिए आप, वो नंबर 3 पे आने लगा है बैटिंग करने यार। तो भैया वहां तुम्हारा कंपटीशन ऐसे ऐसे टुल्लों से है यार, रहमानुल्ला गुरबाज, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर तो फिर भी थोड़ा बहुत सेंसेबल है यार। फिल सॉल्ट वो तो देता है आंख बंद करके, देना ही है उसको, उसका काम ही वही है। वो हो गया आउट तो हो गया, वो 3 बॉल में 12 रन बना के आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लैंड को। क्या विराट कोहली ऐसा कर सकता है क्या? और अगर विराट कोहली ऐसा नहीं कर सकता है, उसका कॉम्पिटिशन तो फिर फिल सॉल्ट के साथ है ना, उसका कॉम्पिटिशन फिल सॉल्ट के साथ है, उसका कॉम्पिटिशन जॉनसन चार्ल्स के साथ है, उसका कॉम्पिटिशन ब्रेंडन किंग के साथ है या डीकॉक के साथ है, जिनको अपने विकेट की चिंता ही नहीं है। ये सारे के सारे जितने मैंने नाम लिए हैं, या फॉर दैट मैटर रहमानुल्ला गुरबाज, या और कौन है ये आपका ट्रेविस हेड, इन लोगों को चिंता है क्या अपने विकेट की? एसआरएच वाले खेल रहे थे कि इनको तो सिंगल विंगल तो भूल जाओ, इनको तो हर बॉल पे चौका या छक्का मारना है। वो काम विराट कोहली कर सकता है क्या? अगर वो नहीं कर सकता है तो उसका कंपटीशन तो इन्हीं लोगों के साथ है ना। तो आप गलत हथियार यूज कर रहे हो एक गलत दूसरी स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए। जहां स्ट्रेटेजी पूरे वर्ल्ड कप में चल रही है टुल्लेबाजी की, वहां आप हथियार भेज रहे हो विराट कोहली। अरे विराट कोहली टुल्ला नहीं है यार, तो फिर कैसे सक्सेसफुल होगा वो? और एक आध मैच में चल भी गया तो उससे क्या हो जाएगा? रिस्क ज्यादा है। एक एक देखिए, मैनेजमेंट में एक एक वो होती है, एनालिसिस होती है, जिसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप विराट कोहली से ओपन करवा के आपकी कॉस्ट क्या है और बेनिफिट क्या हो रहा है। कॉस्ट आपकी 100% है कि हो सकता है वो जल्दी आउट हो जाए, तो जो आप रन उससे 3 नंबर पे बनवा सकते थे वो भी आपके हाथ से गए, और ओपनिंग तो आपकी अच्छी हुई नहीं, आपकी टीम भी टेंशन में आ गई। और उसके बाद बेनिफिट क्या लगता है आपको कि 35 बॉल में 100 रन बना देगा विराट कोहली? वो उसकी बैटिंग की स्टाइल ही नहीं है, तो वो किसी हालत में नहीं कर सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा 35 बॉल में 55 रन बना देगा, लेकिन उसके बाद क्या? तो वो भैया 35 बॉल अगर कायल मेयर्स या रहमानुल्ला गुरबाज खेलेंगे तो ये लोग 75 रन ठोक देंगे। तो वो वैसी बैटिंग करने के लिए फियरलेस होके खेलना पड़ता है, जहां आपको विकेट की चिंता नहीं करनी है। तो इसलिए मुझे तो बहुत ज्यादा डाउट है। अब इतने लॉजिक्स मैंने दे दिए इसके बाद भी, लेकिन चक्कर क्या है कि हमारी बात तो कहीं पहुंचती नहीं है ना। हमारी बात तो हम आपस में ही करके खुश हो जाते या दुखी हो जाते कि भैया हम तो ऐसा सब लोग मान रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, हमारे व्यूअर्स भी मान रहे हैं, वो भी बेचारे ये इसी बात में दुखी हो रहे हैं, और बस हम आपस में ही बात करके दुखी होके चुपचाप टीवी बंद करके सो जाते।
तो लेकिन ठीक है, कम से कम हमें आपस में कहने को तो हो गया कि भैया हम सब लोग तो एग्री कर रहे थे ना कि ये बेवकूफी कर रही है टीम इंडिया, अब ये हारेंगे तो अब हम क्या कर सकते, अफसोस ही होगा और कुछ नहीं। लेकिन ठीक है, किलर AK-47 को टेंशन है कि अरे ये लोग पता नहीं कुलदीप यादव को लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन वो कुलदीप यादव को तो लेंगे, लेना ही पड़ेगा इनको। अब कुलदीप यादव को भी नहीं लेंगे तो फिर किसको लेंगे? तो वो जैसा मैंने पहले पिछले वीडियो में कहा था, वो बात वही है कि ये लोग इसको कुलदीप यादव को लेंगे कि सिराज को निकालेंगे और फिर देखेंगे कि जडेजा कैसा परफॉर्म कर रहा है। जडेजा ने अगर अब अगले एक दो मैचेस में गड़बड़ की तो जडेजा का नंबर आ जाएगा बाहर होने के लिए। अब तो कम से कम जडेजा को बॉलिंग करनी पड़ेगी, और बैटिंग वैटिंग नहीं, बॉलिंग करना जरूरी है जडेजा का, बॉलिंग में विकेट लेना जरूरी है। अगर उसने अब कुछ नहीं किया ढंग का या फिर टाइट स्पेल नहीं किए तो जडेजा अब सीधे बाहर होगा, और ऐसा बाहर होगा जडेजा कि अब की बार फिर वो वापस टीम में नहीं आ पाएगा, फिर उसका रिटायरमेंट ही होगा सीधे, मुझे ऐसा लगता है। विराट कोहली, जडेजा और रोहित शर्मा, ये तीनों जाएंगे वनवास के लिए, ऐसा लगता है मुझे। जिस तरह की हरकतें चल रही है ना इनकी टीम की और टीम मैनेजमेंट की, वही होने वाला है। अक्षय बेचारे कह रहे हैं, जिस देश में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, ऐसे ऐसे ओपनर्स हो, वहां हमें विराट कोहली को ओपनर के रूप में देखना पड़ रहा है। क्या बिल्कुल सही बात कही है यार, मतलब ये तो अब ये जो मैं हंस रहा हूं ना, ये कोई बहुत खुशी की हंसी नहीं है, खिसियानी हंसी है ये, मतलब खींच आने लग गई है अब तो, क्या करे। इसलिए मैंने तो सोचा दुखी होने के बजाय अब तो खुश हो, हंसी लो यार कम से कम, कि ये जोकर है, जोकराई चल रही है, देखो और खुश हो, हंसो, क्या करे यार, चुटकुले चल रहे हैं इंडियन टीम में। इनको इनसे बाकी जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे अगले 10 साल में, नहीं जीतेंगे इस तरीके से, इसी डरपोक अप्रोच के साथ। अब बताइए आप, एक तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम इन लोगों को, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन का जो बोझ है ना वो इंडियन टीम के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया को क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाले तो आएंगे ट्रेविस हेड और वो आएगा उनका वार्नर, वो आके आड़ा टेढ़ा बल्ला घुमाएंगे, आउट हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो फोड़ फाड़ देंगे, हार गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वैसे भी एयरपोर्ट पे कोई गाली देने नहीं आ रहा। जब वो वर्ल्ड कप लेके गए थे तब भी अपना वर्ल्ड कप जो है उनको लेने कोई नहीं आया था, वो ट्रॉली में पैट सिमंस रख के ले गया था अपना वर्ल्ड कप। या इंडिया में तो ये है कि मतलब वो अगर वर्ल्ड कप जीत गए फिर तो बस भूल ही जाओ आप तो खुद ही जानते हो कि किस तरह का पागलपन होता है यहाँ, तो बस कुछ नहीं है, लीपा पोती कर करा के चले आएंगे ये, फिर बाद में बोलेंगे नहीं ऐसा हो गया, बाद में मैच की स्टोरी सुना देंगे, अरे वो ऐसा हो गया, हमारी ओपनिंग ठीक नहीं हुई, विराट कोहली को एक बॉल टेढ़ी पड़ गई, उल्टी पड़ गई, ऐसा हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो आउट हो ही जाएगा, तुम भेज ही क्यों रहे उसको यार, ठीक है मरो हमारी तरफ से, भाड़ में जाओ, तो बस हम क्यों दुखी हो यार तुम्हारी बेवकूफी के चक्कर में। गौरव चतुर्वेदी कह रहे हैं अफगानिस्तान से संभल के रहना, वो बात तो सही है, हम तो पहले ही कह रहे थे, वो बात अलग है वेस्ट इंडीज ने उनको धो दिया। अब ये अगर आप लोगों को याद हो, मैंने तो बहुत पहले एक आध महीने पहले कहा था मुझे तो लग रहा है वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीत जाएगी, वो जिस तरह से धोया है उन्होंने अफगानिस्तान को, जिस तरह से पीटा उन्होंने न्यूजीलैंड को, अरे बाप रे बहुत खतरनाक टीम है, क्योंकि उनके यहाँ तो सारे ही वही है ना जो हम विराट कोहली को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके यहाँ सारे वही है टोले, सारे ही ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब आखिरी में 7वें 8वें नंबर पे रोमारियो शेपर्ड आ रहा है यार, रोमारियो शेपर्ड और शर्फेन रदरफोर्ड, ये 7वें 8वें नंबर पे आ रहे हैं जो कि एक ओवर में 28-28 रन मार देते हैं। अब उनसे हम बराबरी कर रहे हैं विराट कोहली की, कि विराट कोहली को ओपन करवा देंगे, विराट कोहली कितने कितने टुल्लों के रन बना देगा यार, अरे यार एक तो वो खुद ही टुल्ला नहीं है, क्या बोले, बार बार इसी बात पे आना पड़ता है। तो ये वेस्ट इंडीज से तो निपटना बहुत मुश्किल, जब तक कि हमारे बॉलर्स बिल्कुल ऐसा ही ना हो कि पिच फाड़ने वाली बॉलिंग ही ना कर दे, कि बिल्कुल पिच में ही घुसेड़ दी बॉल, बिल्कुल आग लगा दी पिच में, तब तक ही कुछ उम्मीद है, अदरवाइज तो बैटिंग वेटिंग से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वहां जितने मार पिटाई करने वाले टोले आ रहे हैं ना बाकी सारी टीमों में, यहाँ तो बहुत मुश्किल होने वाली है, बॉलिंग का खेल है वेस्ट इंडीज में, तो अब बॉलिंग का खेल है, जिसने बॉलिंग ढंग से कर ली तो कर ली, अब हमारे यहाँ तो ये है भैया हमें छुपाने भी तो पड़ेंगे लोग बाग, हार्दिक पांड्या का पता नहीं क्या होगा, हार्दिक पांड्या पता नहीं कैसी बॉलिंग करेगा, सिराज को तो खिलाना ही मत, सिराज तो
बहुत डेंजरस बॉलर है ये, तो इसको छुपा दो कहीं भैया। सिराज तो ऐसा पिटने पे आता है और फिर पिटने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो तो मतलब करोड़ों की बाजी लगा रहा है ड्रीम इलेवन में, माई सर्कल में, पता नहीं काय में मुझे बड़ी हंसी आती है सुन के। तो ऐसा ही है आप लोग, मतलब मैं क्या बोलूं यार, डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेट अस बी रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिकली रियलिस्टिक, तो यही कह सकता हूं मैं, और तो कुछ नहीं। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को ये मेरा एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग बताइए कि भैया क्या कर सकते हैं, किस तरह से इनको सद्बुद्धि आएगी। अब देखिए मुझे ये तो समझ में आ गया है कि आप लोग भी वही चाहते हैं जो मैं कह रहा हूं, तो अब क्या कर सकते हैं यार, इनका क्या करें, इनको कौन से एड्रेस पे चिट्ठी भेजें यार, क्या करें इनका, राहुल द्रविड़ का इनका कोई ईमेल एड्रेस वगैरह आपके पास हो तो मुझे बता दो आप, मैं इनको भेज देता हूं। अब कुछ लोग ना, अब जैसे ये गौरव चतुर्वेदी कह रहे कि अरे ये बीसीसीआई बकवास है, अरे बीसीसीआई का कोच लेना देना नहीं है, बीसीसीआई इन सब चीजों में इंटरफेयर नहीं करती, बीसीसीआई ने तो बना दिया, कोच बना दिया, ये बना दिया, सब बना दिया, अब बताइए भले उसने गलत बना दिया अब क्या करें यार, बाकी काम तो इन्हीं लोगों को चलाना है ना। अब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, बाकी पारस महामरे जैसे आदमी को बॉलर बॉलिंग कोच बनाया है, अब आगरकर क्या बोल सकता है, आगरकर ने टीम सेलेक्ट कर दिया, बाकी थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ये एक चीज अच्छी है इंडियन क्रिकेट में कि ये बीसीसीआई इन सब चीजों में इंटरफेयर नहीं करती है, वो बस यही देखते हैं हायर लेवल पे कि कहां कौन गड़बड़ कर रहा है, तो बस वहां किसको कैसे लाइन पे लाना है वो काम सही करते हैं, वही काम करना चाहिए उनको। लेकिन टीम का जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो टीम की कोचिंग स्टाफ के ऊपर है, तो बस वही है, बाकी जो करना है कप्तान को और सीनियर प्लेयर्स को मिलके करना है। तो चलिए कल है साउथ अफ्रीका और यूएसए का मैच, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ने, कल हमको पता चल जाएगा कि साउथ अफ्रीका का क्या होने वाला है, किस तरह से खेलेंगे ये मैच। तो अब जिस तरह से कल ये खेलेंगे मुझे तो लगता है ये काफी डरी हुई अप्रोच से खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत बुरी तरीके से पैंट फट चुकी है, बहुत इनकी बेइज्जती हुई है, जितने भी मैचेस अभी तक खेले किसी में भी ढंग से जीते नहीं है, किसी में इनसे कुछ नहीं हुआ है। अब कल विकेट इनको कंपैरेटिवली अच्छा मिलेगा, तो ये अब कल के विकेट पे कैसी बैटिंग करते हैं उससे पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो मजेदार होगा वैसे मैच यूएसए के साथ, और यूएसए तो है, यूएसए को कुछ डर ही नहीं है, वो तो उनने तो फाइट कर दी, तो मजा आ जाएगा। वैसे यूएसए के पास बहुत अच्छा मौका है सुपर एट का मैच जीतने का, कल ये धर सकते हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बहुत बुरी तरह से डरी हुई होगी, साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल बैटिंग नहीं की है, बिल्कुल भी बैटिंग नहीं की है, और जो विकेट्स उन्होंने लिए हैं तो वो ऐसे विकेट्स पे लिए हैं कि बॉलर्स को भी कोई बहुत ज्यादा कोची नहीं हो रही होगी उसके ऊपर। तो चलिए मिलेंगे कल के मैच के बाद, अब कल का मैच तो है रात को, फिर उसके बाद परसों सुबह फिर से इंग्लैंड का मैच है, तो अब देखिए क्या क्या कैसे होगा, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन ठीक है मिलेंगे अपन मैच के बाद। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स, आई एम विकास सक्सेना द बायस्ड एनालिस्ट, थैंक यू सो मच।